हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का अपना वीडियो है जो है स्टार्टिंग सैलरी कितना होती है, क्या वर्क और कितने टाइम है, पहला प्रमोशन कब होता है और किस पोस्ट पे होता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। और जो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो न्यू अपकमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। क्लासेस अच्छी तरीके से चली गई हैं, चल रही हैं। जो फ्रेंड्स नहीं क्लास देखें जरूर क्लास देखें, क्योंकि बेस को जब तक मजबूत करेंगे तभी जो है आपका घूम क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर देगा, आपका कंप्लीट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पहले सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसको बताऊंगा और इसके बाद हमारा जो है इसके बाद देखो सैलरी कितना है, सैलरी कितनी हमने लगाया है इसको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग सैलरी कितना होती है इसको बताना है पहले। तो इसमें आपको देखना है क्या क्या बातों को ध्यान देना है। तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी, पहले तो वर्क की हम बात कर लेते हैं। वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, कितना टाइम जो होता है काम होता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, वर्क की काम की बात कर लेंगे फ्रेंड्स। इस समय क्या काम क्या हो रहा है एजीटीओ के लोगों का, जैसे जो एक्सटेंशन विभाग में है उनका काम हो रहा है सर्वे करना। ठीक है, सर्वे मतलब खेत में जो एक्सटेंशन वाले हैं फील्ड में जाकर के डाटा फीड करते हैं कि इनको जो है कितना मतलब जो होता है, फील्ड में जाते हैं किस फील्ड में, किस गाटे में धान की फसल लगी है, किस में गन्ना की लगी है। ठीक है, मुख्यतः इस समय धान गन्ना की ही खेती की जाती है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें आपको वही चीज़ें डाटा फीड करना होता है। टाइमिंग क्या होता, कोई बाउंडेशन नहीं होता इसमें टाइमिंग का। आप इस समय जो है सुबह लोग जाते हैं 6-7 बजे जाते हैं, 10 बजे काम करके चले आते हैं। ठीक है, ये है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको नहीं 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही ड्यूटी करना है। ये इसमें अच्छी बात है कि आपको ये आपको टारगेट मिल गया, ये आपको इतना काम करना है, या तो डाटा 100 गाटा का फीड करना है, 50 गाटा का फीड करना है तो मोबाइल से ही करना होता है। ठीक है, लोकेशन उसमें रहता है तो मोबाइल से ही फीड की जाती है, स्वयं की मोबाइल से। तो ये चीज़ें होता है, तो वर्क आप जान गए हैं। और जिस समय पहले क्या था, पीएम किसान निधि जो थी, सम्मान निधि जो थी, उसमें किसी का नहीं आता था, उसमें कार्य कर रहे थे, तो मतलब एजीटीए के लोग उसमें कार्य कर रहे थे। तो कहने का मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसको हम लोग गाँव में प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे बीज आ गया तो इसको हम किसानों को बताएंगे कि जो है बीज सीड आ चुका है, आप लोग जो है लीजिए, अब गेहूं का आने वाला है, चने के आने वाला है, सरसों का आने वाला है, तो अभी अगले महीने आ जाएगा, नहीं तो इसी महीने लास्ट भी आ जाएगा। तो ये चीज़ बताते हैं। ठीक है, कितने टाइम वर्क करना पड़ता है, कोई ज़रूरी नहीं है 4 घंटे करना भी पड़ता है, 2 घंटे भी करना पड़ता है जाना। मैंने बताया कार्य वैसा कार्य है, आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या पहला प्रमोशन की बात करते हैं, जो आप लोगों का प्रश्न रहा है, पहला प्रमोशन कब होता है और किस पोस्ट पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला प्रमोशन कब होता है और किस पोस्ट पे होता है इसकी जब हम बात करते हैं, तो पहला प्रमोशन जो फ्रेंड्स कह सकते हो 5-10 साल में होता है। ठीक है, 5 से 10 साल में होता है। क्यों जैसे कि पहला प्रमोशन आपका किस किस पोस्ट पर होगा, जैसे कि आपका पहला पोस्ट हो जाएगा एडीओएजी। ठीक है, एडीओएजी किसी के बराबर होता है एडीओ सॉयल विभाग में भी होते, जैसे जो आपका मृदा वाले में होते हैं, सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी में लैब में भी होता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें पोस्टिंग होता है, सीड लैब हुआ, सीड वाले में होता है, लैब वाले में होता है, ठीक है, सॉयल वाले में, ये सब इसमें आपका होता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब 8 से 10 साल में आपकी पोस्टिंग, जब ये बड़ी पोस्ट खाली होंगी तभी तो आप जाएंगे। ठीक है, अब रही बात ये प्रमोशन के लिए क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, तो प्रमोशन के लिए आपका नंबर अच्छा आना चाहिए, जैसे कि आपका नंबर अच्छा होना चाहिए, इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन भी देखा जाएगा और सारी 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका प्रमोशन के लिए भाई, जैसे कि 3446 बच्चे हैं, अब इतनी पोस्ट तो इन सब में तो है नहीं कि आप लोगों को सभी के सभी एक साथ में प्रमोशन हो जाएंगे, नहीं तो उसमें क्या होगा, तो आपको जैसे कि आप अच्छे नंबर से हैं, आप एमएससी भी कर रखे हैं और अच्छे नंबर भी हैं, तो
जो बीएससी वाला करके आया है उससे आपका वरीयता और नंबर जो अच्छा खाता है तो आपका प्रमोशन पहले हो सकता है। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात हम कर लेते हैं जो आप लोगों की सैलरी है, प्रेजेंट टाइम की सैलरी कितनी है और आप लोग जब आएंगे तब कितना होगी, होने की संभावना है सैलरी, ये आप लोगों का प्रश्न रहा है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम स्लिप दिखाते हैं अगस्त महीने की। अगस्त महीने की स्लिप है ये, आप यहाँ आप देखिए, यहाँ चीजें देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये आपका AGTA की अगस्त 2024 की जो है अगस्त 2024 की स्लिप है, कब 2000 अगस्त की, मतलब अगस्त की। ठीक है, ठीक है, इसी महीने की स्लिप है। अब इसमें देखिए आपका TAC ही है, पोस्ट आपका क्या कहलाएगा, TAC। ठीक है, आप इसमें देखेंगे अमाउंट क्या कौन सा है, बेसिक पे कितना होता है 2700, मतलब 27900। जब आप और शुरू में इनका बेसिक पे कितना था, जब ये लोग पोस्ट मतलब ये लोग ज्वाइन किए थे तो बेसिक सैलरी की जब बात करेंगे तो इन लोगों की बेसिक सैलरी उस टाइम कितना थी, 25,500 रुपये थी। कितना थी बेसिक सैलरी, 25,500 थी। प्लस इसमें क्या रहता था, एड इसमें क्या होता है, TA और जो होता है DA। ठीक है, TA DA ऐड होकर के कितना हो जाती थी, कितना इनकी मतलब शुरुआती सैलरी कितनी होती थी, 3400, मतलब 34,000। ठीक है, 34,000 कुछ रुपये या 200-600 जो भी मान लीजिए। ठीक है, तो मैं मोटा मोटा 34,000 बता देता हूँ, 34,600 था। ठीक है, ये चीज आपका पहले का था, जब ये लोग जो है दो ये लोग ज्वाइन किए थे 2021 में, ज्वाइन किए थे 21-22 में। ठीक, तो उस समय इनका जो है बेसिक जो है सैलरी कितनी थी, 25,500 थी। ग्रेड पे कितना था, 2400 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे इनकी जो है जॉब थी। अब आने वाले टाइम में मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। तो ये चीज़ जो है अगस्त में, मतलब यहाँ से शुरू होकर के यहाँ टोटल अमाउंट कितना है इनका मिल रहा है, कितना इस समय 43,530 रुपये जो है मिल रहा है। अच्छी काफ़ी जॉब है, जॉब है फ्रेंड्स, और कोई आपका मेंटली प्रेशर नहीं रहता है, आप जब चाहें छुट्टी भी ले सकते हैं और आराम तरीके से इंजॉय तरीके से आप जिंदगी अपनी जो है लाइफ बिता सकते हैं। अच्छी जॉब है, इसके लिए आप अभी से मेहनत करिए, बेस को मजबूत कीजिए और आपके पास जो प्रीवियस ईयर बुक है उसको लगाइए। इसी के अलावा और कुछ, इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्लास सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से लेवल से अच्छे लेवल से कवर कराया गया। आप किसी भी एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो वहाँ से निराशा हाथ नहीं लगेगी, अच्छे नंबर से आप पास होंगे। क्लास को देखिए और इसके बाद आपके जो है प्रीवियस ईयर लगाइए अच्छे तरीके से, तो आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। और इसमें जो कटता है, इनको कटता है 42,288 रुपये कटता है। तो कहने का मतलब इनको मिलता कितना है, आप देखें कितना मिलता है, 39,245 रुपये जो है इनको इनका नेट पे मिलता है। ठीक है, इस समय। ठीक है, ये चीज़ें रही बात इस समय की, जब मतलब इस समय से यहाँ से एंट्री की, यहाँ से अब हम आपकी बात बताते हैं, आप में क्या चीज़ें हो सकता है। ठीक है, आप में क्या चीज़ें हो सकता है इसको देखें, ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखा, अब आपको देखना है कि ये तो इन लोगों का था। ठीक है, अब आपको देखना आपका क्या सैलरी हो सकती है, आपका जब शुरुआती होगा, क्योंकि 2000 आपकी ज्वाइनिंग कब हो सकती है, 2026 में होगी। ठीक है, 2026 तक होगी, इसके पहले बहुत मुश्किल है। ठीक है, संघर्ष करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप जो है बहुत ज़्यादा जिंदगी 25 में पेपर होगा ही होगा। ठीक है, 26 में आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, 3 साल का प्रोसेस होता है, आप धैर्य बना के धीरज से संघर्ष तरीके से अपने बेस को मजबूत कीजिए। ठीक है, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है और ये लास्ट मौका है, आराम तरीके से अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। थोड़े थोड़े जो चीज़ें नहीं याद होती हूँ आप जो है उसको लिख लिख करके तैयार कीजिए, जो चीज़ें भूल जाता है उसको आप तैयार कीजिए। क्लास देखिए अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें हमने यूट्यूब पर इसलिए जो है फ्री कराया है, और आप कहीं से भी मैटर मिला लीजिए, बहुत अच्छा मैटर देने का प्रयास किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं 26 में आप लोगों की सैलरी क्या हो सकती है। इस समय देखिए ग्रेड पे का 2800 भी ग्रेड पे हो सकता है, 4200 का ग्रेड पे हो सकता है, आप लोगों के आने तक हो सकता है। ठीक है, तो जाके तुरंत बढ़ जाएगी आपकी 4500 के आसपास जो है आपकी
सैलरी हो जाएगी, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। इसके बाद अब यहाँ देखिए 26 में क्या होगा आपका, 26 में आठवां वेतन आयोग लग जाएगा, आठवां वेतन आयोग लग जाएगा। ठीक है, तो उस समय जब ये लग जाएगा तो आपकी जो होती है बेसिक सैलरी क्या होगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग इंक्रीज होकर के आप कह सकते हो ये जो हो गया 38,000 या जो होता है आपका 38,000-40,000 के बीच जो है बेसिक सैलरी हो जाएगी। ठीक है, शुरुआती सैलरी आपकी कितनी मिलेगी, 38,000 से 40,000 के बीच में मिलेगी। यहाँ कितनी मिलती थी इन लोगों की, 34,000 मिलती थी, 4,000-5,000 आपकी तुरंत से इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो कि इन लोगों की अब जाके 5,000 जो है बढ़ी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप लोगों के बहुत ही मतलब अच्छा चांस है, और ग्रेड पे भी 2,800 हो सकता है, 4,200 हो सकता है, और होने का चांस है, हो सकता है, क्योंकि इस पर काफ़ी दिनों से मैटर चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपका, ये बताना था, इससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मानिए, लेकिन मोटिवेट के हिसाब से आपको अपनी तैयारी को भी बेहतर करना पड़ेगा। जो चीज़ें नहीं तैयार होती है आप क्लास देखिए, क्लास में पैसा थोड़ी ना कुछ लग रहा है, सीखने को जरूर मिलेगा। आप क्लास देखिए, प्लेलिस्ट सारी बना दी गई है, आप एक प्लेलिस्ट से अगर आप पढ़े हुए हैं कहीं से, तब भी उसका जो होता क्या करते हैं उसकी स्पीड वीडियो को बढ़ा करके अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप शुरू से क्लास देख सकते हैं। ठीक है, उसमें नंबरिंग भी की गई है, तो आप समझिए कितना आपकी सैलरी हो जाएगी, 38,000 से 40,000 के बीच जो है आपकी बेसिक सैलरी मतलब शुरुआती सैलरी आप लोगों को इतनी हो जाएगी। इस समय की सैलरी आपने हमने दिखा दिया, इतना जो होती है इसकी सैलरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें था आप लोगों का, और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, और जो है अच्छे तरीके से पढ़िए, कोई जल्दबाजी ना कीजिए, क्योंकि देखिए हर कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको 2-3 साल उसमें झेलना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे जो भी कह सकते हो दुर्भाग्य की बात है, झेलना तो पड़ेगा ही, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे वाली पीढ़ी, आने वाले 2-3 पीढ़ियों को तभी जो है अच्छे तरीके से जो भी उनकी नीड है उसको आप फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही समझ लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िए, यही हमारी शुभकामना है। आप जो है इस तरीके से, जिस तरीके से सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ, आपका 100% तभी सफल होगा जब उसको आप वीडियो को देखेंगे और अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे और प्रीवियस से लगाएंगे। ठीक है, रिवीजन नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें भूल जाएंगी। अब जैसे इसमें सॉयल साइंस कंप्लीट होने वाला है, तो सॉयल साइंस में आपको क्या करना है, हर एक चीज़ को मैंने बताया, उस हिसाब से आप मैंने वहाँ भी बताया है कैसे कि आपको जो होता है सॉयल के बारे में अच्छे तरीके से कवर करना है। चार्ट मैंने बनाया है, जो लोग फ्रेंड्स से बैच वाले हैं, तो वो चीज़ें आप इसी तरीके से कर लीजिए, स्वयं कर लीजिए, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो आपका सिलेक्शन मतलब यार आपको तैयार कैसे होता है। मेन चीज़ ये है, पढ़ो एक ही पन्ना, दो ही पन्ना पढ़ो, लेकिन वो तैयार हो कैसे इसको बताइए, इसको सोचना चाहिए। तो मैंने सारी चीज़ों बताया है क्लास में, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ें तैयार हो सके, और कैसे लोगों से भिन्न हो सके, और 3446 में आप एक चीज़ अपनी अस्थाई कर सके। ठीक है, तो इन सभी बातों के साथ वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कोई क्वेश्चन रहा आप लोगों का जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए क्लास में, तब तक ले सवाल वाले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।